अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रेजी क्ले पॉट रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज पालंग साग अरबी आलू की बहुत ही मज़ेदार दाल के साथ रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए फर्स्ट हमें पालंग साग को बड़े बड़े में काट लेना है, उसके बाद आलू को इस तरह से गोल करके काट लेना है, फिर हम प्याज को लंबा करके काटेंगे और अरबी को भी इस तरीके से आलू जैसा ही काट लेने हैं, और दाल मसूर दाल और मूंग की दाल को धो लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद क्ले पॉट को गरम करेंगे और उसमें 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उस घी में दाल को फ्राई करेंगे। घी में दाल को फ्राई करने से उसका टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसमें एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है। जब हम रेसिपी तैयार करेंगे तो बहुत डिलीशियस बनेगा। हम इसमें गोलमरीच इलाच और दालचीनी ऐड कर देंगे और उसे भी बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम तेजपत्ता और लौंग भी ऐड करेंगे। दाल को जब खड़े मसालों के साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। दाल बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, चटकने लगे हैं। उसके बाद हम इस दाल को निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्ले पॉट को गरम करेंगे और फिर हम उसमें 2 चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे, वो भी मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। फिर हम ड्राई रेड चिली और 5 फोरन ऐड करेंगे और उसको हल्का फ्राई करने के बाद फिर हम उसमें 1/2 चम्मच के करीब हींग ऐड करेंगे। उसके बाद चॉप किए हुए अदरक लहसुन ऐड कर देंगे, उसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरीके से, फिर कटे हुए प्याज हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से प्याज के इन मसालों के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलाकर फ्राई करेंगे। जब ये 5 से 6 या 10 मिनट तक इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये जब हल्का फ्राई हो जाए, ज़्यादा भी मत फ्राई करना। उसके बाद फिर हम इसमें कटा हुआ आलू ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें अरबी ऐड कर देंगे और इनको भी प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जून जुलाई के महीने में अरबी और पालंग साग का रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब इसका रेट कम हो जाए तब आप इस सब्जी को बाज़ार से ख़रीद के लाना और फिर इसको तैयार करना। ये सब्जी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर और कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी इन आलू और अरबी के साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। देखेंगे टमाटर आलू के साथ बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इनको कसने के बाद फिर हम इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। मसालों को बहुत अच्छी तरीके से आलू और अरबी के साथ मिला लेंगे, क्योंकि आलू और अरबी को गलने में बहुत समय लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम मसाले को बहुत अच्छी तरीके से कसेंगे। लगभग सब्जी बहुत अच्छी तरीके से कस चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए पालंग साग ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, साग नरम हो चुके हैं। अब साग को हम इस आलू और अरबी के सब्जी के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए साग का क्वांटिटी भी बहुत कम हो चुका है। अब उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे। नमक को भी सब्जी के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाते मिलाने के बाद फिर हम इसमें सारे फ्राई किए हुए दाल ऐड कर देंगे और उसके बाद दाल को भी हम इन सब्जियों के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे और थोड़ा बहुत इसको भी 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से कसेंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। कम से कम इसमें 2 से 3 ग्लास हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि दाल को गलाने के लिए पानी बहुत अधिक लगता है। उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा बॉयल आने के बाद इसको हल्का हिलाएंगे। उसके बाद हम इसे धीमी आंच में 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, ढक्कन खोल कर देखेंगे। इसे बहुत अच्छी तरीके से हिलाएंगे। उसके बाद फिर इसमें अभी भी दाल अच्छी तरीके से गला नहीं है, हमें इसे धीमी आंच में ही गैस में बिठा कर रखना है। कम से कम इसे आप 15 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, दाल बहुत अच्छी तरीके से गलना शुरू हो चुका है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो चुका है। हम इसमें जो तेज़पत्ता ऐड किए हुए हैं वो सारे तेज़पत्ता हम एक एक करके निकाल लेंगे। अब दाल को बिना ढक्कन लगा कर ही हमें अच्छी तरीके से पकाना है। फिर हम इसमें कुछ सब्जी मसाला साथ ही धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा है। दाल को बस हिलाते जाना है, जिससे दाल नीचे से ना पकड़ लिए। दाल लगभग बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है।
अब तड़का पैन को गरम करेंगे और उसमें 2 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम इसमें कटा हुआ एक प्याज ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से रेड होने तक फ्राई करेंगे। इसको फिर जब फ्राई हो जाएंगे हम इसे सारे दाल पर ऐड कर देंगे। ये लगभग फ्राई हो चुका और हमने इसे सारे दाल में ऐड कर दिया है। अब हम तड़के को बहुत अच्छी तरीके से दाल में मिला देंगे। ये दाल रियली बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप दोपहर के वक्त चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। ये दाल बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फीडबैक देना मत भूलना। इसके बाद मैं एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।